हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताइएगा। तो आज जो है मेरे यहाँ जो आती है अलका, उसको कटहल दिख गया था पका हुआ, तो वो मेरे लिए लेके आई कहीं से। तो आइए उसको काट लेते कटने के हैं। प्रेपरेशन सब कुछ तैयार। डिंग दो यहाँ पे बिबू ने बिल्कुल पेपर वगैरह बिछा के, कटहल रख के बिल्कुल तैयार कर दिया कि अब काटो इसको। इतना बच्चों का खाने का मन था, क्योंकि यहाँ जयपुर में मिलता ही नहीं जल्दी से। तो कोई वहाँ पे बंगाली थे जो कि कटहल ले आए थे बेचने के लिए, तो वो अलका ने देखा, तो उसके सामने मैंने कभी चर्चा किया था कि बच्चों कटहल खाने की इतना इच्छा है, यहाँ मिलता ही नहीं। तो वो इतना बड़ा कटहल खरीद के ले आके मेरे घर पहुंचा के गई, और इसके साथ में लाल साग जो कि आपको दिखाया मैंने पहले ही कल ही, तो वो लाल साग यानी कि उसको चौलाई बोलते हैं, चौलाई के साथ में कटहल। तो कटहल देखिए कितना बढ़िया पक गया है। जब हम मैं इसको यूँ हटा रही हूँ तो अपने आप निकलता जा रहा है। देखिए एकदम मस्त कोआ निकल रहा है, इसको कोआ बोलते हैं, पके हुए कटहल का कोआ। ये देखिए आपको पूरा दिखाती हूँ खोल के, क्या मस्त है। चलिए इसको निकाल देती हूँ, दोनों बच्चे जो है खा लें। इन दोनों को बहुत दिन से खाने का मन था, मुझे भी नहीं मिलता, क्योंकि मैं जब अपने यूपी में होते हैं तभी कटहल वगैरह घर पे होते हैं, गांव में होते हैं, तो वहीं कटहल वगैरह पेड़ का पका हुआ कटहल मिलता है बढ़िया। तो चलिए देखिए कितना बढ़िया सा आराम से निकलता जा रहा है, एकदम मस्त पक गया है। बिबू कह रहे हैं पहले मुझे जल्दी दे दो, लाओ मैं सारा पकड़ता हूँ, आप निकालो इसको। देखिए मस्त, बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इसको मैंने बाद में एडिट कर रही हूँ, पहले मैंने इसको जो है खाया था, और खाया उस समय इतना मीठा ये कटहल, इतना मीठा कटहल निकला, क्या बताऊँ मैं आपको। और दूध फट गया मेरा, अब चल रही हूँ पनीर बना दूंगी, और कुछ रास्ता नहीं है, पूरी तरह से देखो फट गया। तो चल रही हूँ पनीर बना दूंगी, इधर चाय रख दिया है, थोड़ा दूर फ्रिज में था तो चाय रख दिया, और ये तो फट गया, इसको मैं बंद करती हूँ तुरंत और बना देती हूँ। अभी सामान मंगाया था तो ये थोड़ा सा तुअर दाल है, एक ब्रेड है, जैम है। इस बार मैंने ये गोविंद भोग राइस मंगाई है, बहुत छोटी छोटी है, देखते हैं बच्चों को तो बड़ा पसंद, इसकी खुशबू गजब की है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए बढ़िया, लेकिन इसकी खुशबू इतनी बढ़िया है क्या बताऊँ मैं। तो देखो अब पकी है ना, आज मैंने बनाया भी इसको, तो आज दाल चावल हम लोगों ने दोपहर में बनाया था, यही चावल बनाया, बहुत बढ़िया चावल है ये गोविंद वो है। छोटा छोटा, बहुत छोटा दाना है, लेकिन टेस्ट और खुशबू गजब की है। तो मैंने 5 किलो का पूरा है, देखो पैकेट, अभी कुछ पैकेट खाली कर रही हूँ, ये सब सारा अभी सामान आया है, ये 5 किलो का पूरा ये पैकेट मंगा लिया है। इसमें फाइबर अच्छा होता है, अच्छे अमाउंट फाइबर होता है, तो ये जो है खाना चाहिए वैसे, अच्छे चावल हैं। बड़े बड़े चावल तो बस गले में अटकते हैं, देखने में अच्छे होते हैं, बिरयानी या कुछ और बनाना हो तो रेगुलर तो यही खाना चाहिए। तो मैं इसको सब डिब्बों में डालना है, बस चल रही हूँ डालूंगी।
ऐसा लग रहा है चीनी भरा है करियो, ऐसा लग रहा है कि चीनी भरा है, इतना छोटा छोटा दाना है इसका। हो गया, इसका बैग बहुत बढ़िया है, इसमें देखो चेन लगी हुई है, कुछ काम आ जाएगा। है। इसको भी रख देती हूँ। अब ये सब रखने हैं, कुछ मसाले हैं, चने हैं, ये सब भी रख दो। तो अब मैं पहले चाय छान लेती हूँ, क्योंकि इतने पैकेट मैंने खाली कर दिए हैं सब, लगभग ये हल्दी भी थी और सब सब खाली पहले ही कर दिया। कटहल के बीज है, जो हमने पका हुआ कटहल कुआ खाया है ना, उसी के बीज है। आम के आम, गुठलियों के दाम निकाल रही हूँ, यानी कि कटहल तो खा लिया है, गुठलियों का सब्जी बनता है, दाल में डाला जाता है, चोखा बनता है, जो चाहो वो बना लो इसका। इसलिए इसको छील रही हूँ, छील के इसको थोड़ा सा उबालूंगी, उबाल के ऐसे खाया जाएगा सब्जी बना के। आज तो सब्जी बनाने वाली हूँ मैं इसका। ऐसे ही छीलने में थोड़ा, क्योंकि इसको धूप में डाल दो ज़्यादा बढ़िया सूख जाता है, फट से निकल जाता है इसका छिलका। लेकिन मैंने कहा ऐसे ही निकाल लो, अभी टाइम नहीं है। ऐसे भी निकल जा रहा है, थोड़ा सा तो मेहनत लगेगी।